Okay, the next property that we have to find is length of the sides of orthic triangle. So the target is to find FE length, then the FD length, or the DE length. And by symmetry, we can say we can find any one of them. Then by symmetry, we can easily find this. Okay, now for this, what I am going to do is I am going to take A. Let's say this is the edge. So I am going to take the quadrilateral. AFHE क्या है? फिर से notice करो, cyclic quadrilateral है. Can you tell me why it is cyclic? It is again a cyclic quadrilateral. Why? Obviously because this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, vertically opposite angle having some 180 degree, that means AFHE becomes your cyclic quadrilateral. Alright, and we need to find FE from this. If we can find FE from this, our target would be achieved. Okay. So now, this is the triangle, let's say the quadrilateral that we have taken. I have taken a separate diagram for this to make you sure that we can understand. So this is now H, not D. We have just taken the cyclic quadrilateral AFHE, right? This is. And our target is to find FE from here. Okay. Clear? Got it. So now coming back to this particular question, and let us just concentrate on triangle AFE. ठीक है भाई, थोड़ा tough है, भागना नहीं है, घबराना नहीं है, topic ही tough है ये, तो इसको इसलिए धीरे-धीरे भी कर रहे हैं. So in triangle AFE, what is Lamy's theorem? Lamy theorem or Lamy's, or you can say the sine rule. What is the sine rule? Can you tell me the sine rule? What is sine rule? ओके, तो साइन रूल की अगर बात करें, साइन रूल क्या होता है भाई, a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ द ट्रायंगल abc. ठीक है, तो अगर हम वही चीज देखो यहां पर लगाते हैं, सो अगर मैं कहता हूं इन ट्रायंगल afe, मैं क्या कर सकता हूं, fe हमें जो कि निकालना क्या है, FE divided by what can we do then, sin A, because opposite angle क्या है उसका, sin A, this should be, मैं इसको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं जो ये आ रही हैं यहाँ पर, it should be equal to 2R, 2R की जगह मैं लिखता हूँ 2R dash, यहाँ R dash क्या है, radius of, I can say radius of circumcircle, कौन सा circumcircle, ABC का, या फिर confused नहीं होना है, A किसका circumcircle है, radius of circumcircle of ट्राइंगल ए, यस ए एफ ई, ठीक है जी, ए एफ ई की बात हो रही है, तो एफ ई का होगा, और टू आर डैश को क्या बोल सकते हो जी, डायमीटर, ये डायमीटर हो गया. तो अगर आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, अगर ये रेडियस की बात हो रही है इसके, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, कैन यू से दैट डायमीटर इज ए एच, क्यों, देखो ना, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ए एफ एच 90 डिग्री है, ए ई एच 90 डिग्री, तो ए एच क्या हो गया भैया, डायमीटर हो गया. सो इसका मतलब क्या हुआ, ए एच टाइम्स साइन एफ ए विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ ई. तो बात घूम फिर के किस पे आ गई, अगर हमें ए एच की वैल्यू पता है तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया. आ जाते हैं मेन ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ए बी सी ए एच तो क्या था, पार्ट ऑफ ए डी, ए डी क्या था, ऑल्टीट्यूड. सो यहां मैं तुमसे थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो याद होनी चाहिए थी चीज, दो वी कैन प्रूव दिस, बट अगर हम वो प्रूव करने लगे तो थोड़ा आउट ऑफ स्कोप काम हो जाएगा. सो ए एच इज नथिंग बट 2R cos A, यहां पर R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, पर किसका आपकी बार, यस yes, ये याद रखना जरूरी है, R हमेशा हम सर्कम सर्कल रखते हैं किसका, मेन ट्राइंगल का, ट्राइंगल एबीसी, सर्कम साइंगल ट्राइंगल एबीसी. तो ए एच था, अगर बी एच तुमसे पूछा जाता तो याद क्या कर लो, 2R cos B, सी एच होता 2R cos सी. सो अब हमें ये सारी चीजें पता हैं, तो हमें क्या निकालना था भाई, एफ ई निकालना था. तो लेट्स गेट बैक टू एफ ई. सो अगर हम यहां से नोटिस करें तो एफ ई क्या आ गया हमारे पास, एफ ई इज ए एच साइन ए. तो यहां पर अगर फिर से नोटिस करो, ए एच की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या हुआ, टू आर साइन ए कॉस ए बन गया टोटल. मैंने कुछ नहीं करा, ये ए एच की जो वैल्यू यहां तुमने लिखी हुई है, जो हमने अभी याद करी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने यहां पर उठा के लिख दी. तो या तो आप फॉर्मूला बन गए, आप कह सकते थे सर जी ये तो आ गया मेरे पास आंसर, आर साइन टू ए,
ये आ गई लेंथ ऑफ साइड ऑफ एफ ई. आर साइन टू ए अगर इसकी आई है तो एफ डी की क्या आ जाएगी, आर साइन टू बी, और इसकी आ जाएगी आर साइन टू सी. बट इसको एक तरीका ये भी समझ सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें आर निकालना पड़ेगा. क्या हम आर को हटा सकते हैं कंप्लीटली? कैन वी रिमूव आर? यस वी कैन रिमूव आर ऑल्सो फ्रॉम द क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा भैया, आपको बैठ के आर निकालना पड़ेगा. अब देखो वो मैं हटाऊंगा कैसे वो देखो. सो बाय यूजिंग द सेम साइन रूल इन ट्राइंगल ए बी सी आई कैन से ए बाई साइन ए क्या होगा भैया, टू आर के बराबर होगा. ठीक है, सो इसमें आप क्या कह सकते थे, ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए. गॉट इट? जस्ट सी दिस इज द ब्रैकेट हियर वेयर इट इज गेटिंग. सो ये एक्चुअल में कन्वर्ट किस में हो गया, वेरी सिंपल नोटेशन दैट एफ ई विल कम आउट टू बी, ये क्या बन गया आपका ए, और ये क्या रह गया कॉस ए. सो एफ ई इज नथिंग बट ए कॉस ए. ठीक है, इससे ज्यादा आसान हम इसका फॉर्मूले नहीं बना सकते पीडल ट्राइंगल के. एफ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके अपोजिट है, वर्टेक्स बी के अपोजिट, तो बी कॉस बी. और सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए ई डी की वैल्यू बताओ तो किसके अपोजिट है, वर्टेक्स सी, सी कॉस बी, सी कॉस सी आंसर हो गया. सो दीज आर दी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पीडल ट्राइंगल दैट यू गाइज कैन रिमेंबर. ओके.